हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है मयंक महेश्वरी एंड आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट पेपर नंबर 3। अभी जून के अंदर आप लोग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड काफ़ी बच्चों ने प्रिपरेशन शुरू कर भी दी है। बहुत बच्चों की तो प्रिपरेशन हो भी चुकी है, कुछ बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अब ये वीडियो हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट होने वाला है। जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं वो भी इस लेक्चर को ज़रूर देखें, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी बीच में उनकी प्रिपरेशन है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, एंड जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं वो तो पक्का पक्का इस वीडियो को ज़रूर 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 देखें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ABC एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए भाई, ये जो पेपर है ये थोड़ा लेंदी पेपर है, थोड़ा सब्जेक्ट जो है बहुत लेंदी है। पेपर तो खैर 2 घंटे का होता है बट सब्जेक्ट बहुत लेंदी है एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि सर ऐसा क्या करके जाए कि एग्ज़ाम में पास हो जाए। क्योंकि जो बच्चा इस वक्त सोच रहा है कि भाई प्रिपरेशन कर लेता है फाउंडेशन की, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैक साइड पर ज़रूर होगा कि भाई पास हो जाए किसी तरीके से, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि भाई ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है ना, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। इनफैक्ट आप अच्छे नंबर भी ला सकते हैं इस पेपर के अंदर। तो ये जी शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो जो ABC एनालिसिस है इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने जितना भी आपके चैप्टर्स हैं पेपर नंबर 3 के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स के हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग के हो, इन चैप्टर्स को मैंने 3 कैटेगरीज में डाला है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। अब जो कैटेगरी ए है ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको चैप्टर्स करने में टाइम कम लगेगा एंड आपको वेटेज बहुत अच्छी मिल जाएगी इन चैप्टर्स की। यानी कैटेगरी के अंदर मैंने वो चैप्टर्स डाले हैं जो करने में कम टाइम कंज्यूम करेंगे आप लोगों का, बट आपको वेटेज अच्छी खासी दे करके जाएंगे, तो आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रिवाइज कर सकते हैं। फिर कैटेगरी बी जो है ये वो चैप्टर्स हैं जो मॉडरेट टाइम लेंगे और इनकी जो वेटेज एग्जाम में है वो भी मॉडरेट टू लो है, मॉडरेट टू लो। एंड कैटेगरी सी वो कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे आपको करने में, चैप्टर्स को फिनिश करने में बहुत टाइम लगेगा एंड उनकी जो वेटेज एग्जाम में आएगी वो एक मॉडरेट टाइप ऑफ वेटेज आएगी। यानी कि आप मान के चलो जो सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं ये हर एक चैप्टर 2 से लेकर के 4 नंबर तक का ही आएगा, ठीक है जी। चलिए तो बात करते हैं इन चैप्टर्स के बारे में। तो पहला चैप्टर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है आपके पेपर नंबर 3 के अंदर, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप अपने 12 से लेकर के 15 नंबर तक पक्के कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आप 12 से लेकर के 15 तक नंबर अपने सिक्योर कर लेते हैं आउट ऑफ 100, ठीक है जी। फिर दूसरा चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो कि स्टैटिस्टिक्स का पहला चैप्टर है। फिर एंड दूसरा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जो कि स्टैटिस्टिक्स का दूसरा चैप्टर है। तो जो पहला चैप्टर था ये था बिजनेस मैथमेटिक्स का, दूसरा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का और आखिरी जो है ये है लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो अगर ये तीनों चैप्टर्स आप लोग कर लेते हो, अगर ये तीनों चैप्टर्स आप लोग कर लेते हो तो आप मोर देन 50% वेटेज अपनी इस पेपर की कवर कर लोगे। यानी अगर आप ये 3 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए। बट अच्छे से करने का मतलब ये है कि अगर इन तीनों चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आप सही कर पाओ, ठीक है ना, सही कर पाओ। देखो करके चले गए बट फिर भी अभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, पता चला टाइम ऑफ मनी के 12 क्वेश्चन आए, 6 ही सही करके आए, आप लोग 6 गलत करके आए। तो उसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से किया था, अच्छे से मतलब कि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको ठीक कर पाओ। तो अगर आप अच्छे से इन 3 चैप्टर्स को कर ले तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए, मोर देन 50 मार्क्स आपके 100% आ जाएंगे, 100%। तो ये 3 चैप्टर्स करो, बहुत कम टाइम लेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि भाई अगर आप अपना 1.5 दिन 1.5 डे भी दोगे तो ये तीनों पार्ट आपके खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये तो एक चैप्टर है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर 2 चैप्टर्स हैं, एक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो कि चैप्टर नंबर 1 है और एक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन जो कि चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि भाई मैंने अपनी बुक के अंदर ये एक अलग चैप्टर बनाया रखा है, ठीक है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक अलग चैप्टर है एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक अलग चैप्टर है, बट CA इंस्टीट्यूट की बुक में ये एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए सेकंड पॉइंट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं और जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ा, जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा उनके लिए 2 चैप्टर्स हैं, क्योंकि वो CA इंस्टीट्यूट की बुक से पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं। और फिर आखिरी जो पार्ट है ये है लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं और ये आराम से आप 1.5 डे में रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज करने के अलावा अगर आप इनको अच्छे से करना चाहते हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से
अगर 4 या 5 दिन भी देते हो तो 3 चैप्टर अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है ना। और अच्छे से करने के लिए आप लोग मैराथन वीडियोस जो है हम लोगों ने डाली हैं, अभी 4 पार्ट्स हैं इस पेपर के, पेपर नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को देखो, उनके अंदर ही तीनों ही चैप्टर्स, ये तीनों ही फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, ये तीनों ही चैप्टर्स, ये चैप्टर्स तो 3 नहीं है, चैप्टर्स ज़्यादा हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर्स हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट में 3 चैप्टर्स और फर्स्ट पॉइंट का 1 चैप्टर है, तो टोटल 8 चैप्टर्स हो गए। ये 8ों चैप्टर्स उन मैराथन वीडियोज़ में कवर्ड हैं, तो उन मैराथन वीडियोज़ को देखो और इन चैप्टर्स को करो। फिर आते हैं कैटेगरी नंबर बी पर, जिसके अंदर वो चैप्टर्स हैं जो मॉडरेट टाइम लेते हैं एंड मॉडरेट वेटेज आपको दे करके जाते हैं, जैसे कि सेट रिलेशन एंड फंक्शन ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मॉडरेट वेटेज आपको दे के जाता है। इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तो जो बच्चे 10th तक जिनकी मैथ स्ट्रांग होती है उनको भी अच्छे से आते हैं चैप्टर्स, ठीक है ना, ईजी चैप्टर्स हैं और नॉर्मल वेटेज दे करके जाते हैं। अब मान के चलो 2 से लेकर के 4 नंबर तक की वेटेज रहते हैं इन सभी चैप्टर्स की जो भी इसके अंदर कवर्ड हैं, सिर्फ एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ है जिसकी वेटेज 1 या 2 नंबर की रहेगी, बट बाकी चैप्टर्स की 2 से लेकर के 4 नंबर की वेटेज रहेगी, ठीक है ना। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ एक ऐसा चैप्टर जो आप आधे घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो, और अगर आपको आधा घंटा दे करके 1 या 2 नंबर मिल रहे हैं तो इसको हम कैटेगरी बी को बोल सकते हैं कि कैटेगरी बी का ये चैप्टर हो गया, मॉडरेट टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगा और आपको मॉडरेट टू लो वेटेज सिक्योर हो गए। फिर आते हैं हम कैटेगरी सी के ऊपर। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर हर एक चैप्टर थोड़ा लेंदी है। हम बात करें अगर इस कैटेगरी की तो लीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके अलावा और भी चैप्टर्स हैं इस कैटेगरी के अंदर और उन चैप्टर्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है ना, वो भी मैंने कैटेगरी सी में डाल रखा है। इंडेक्स नंबर, वो भी मैंने कैटेगरी सी में डाल रखा है। अब इन 2 चैप्टर्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, बट फिर भी मैंने कैटेगरी सी में इसलिए डाला कि ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बच्चों को थोड़े डाउट्स ज़्यादा आते हैं, तो उन डाउट्स को क्लियर करने में, उन चीज़ों को समझने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। चैप्टर इतने बड़े नहीं हैं, बट अगर आपको गाइडेंस मिले तो छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बट गाइडेंस ना मिले तो चैप्टर थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो इन दैट केस आपको ज़्यादा टाइम ले जाते हैं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने में, ज़्यादा टाइम लग जाता है आप लोगों को और इनकी वेटेज इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है ना। तो ये कैटेगरी सी में आ गए, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि भाई कौन सी कैटेगरी में कौन से चैप्टर्स हैं एंड इसी अकॉर्डिंग आप अपना रिविजन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से बोलना चाहूँगा कि भाई जो बच्चे अपना रिविजन कर चुके हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आगे चल के दोबारा रिवाइज करेंगे वो अपना पेपर एग्जाम से जस्ट पहले। अब तो आप लोग मेरे ख्याल से अकाउंट्स एंड लॉ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का एग्जाम्स है, और अब तक आप लोगों की इको एंड पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स वाले पेपर का रिविजन ऑलरेडी हो चुका होगा या फिर प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो अब आगे चल के अब जितने भी दिन बचे हैं, अगर इन दिनों में अगर आप रिवाइज करते हो पेपर नंबर 3 को, तो आप इसी सीक्वेंस में रिवाइज करो, ठीक है ना। सबसे पहले कैटेगरी ए के चैप्टर रिवाइज करो, फिर कैटेगरी बी के, एंड फिर बचे हुए चैप्टर्स को हम कैटेगरी सी में डाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को रिवाइज करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, उनके दिमाग में आएगा कि सर पढ़े कैसे, अब इतना कम टाइम बचा है कि हम पास हो जाएंगे, तो उनके क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगा कि भाई ज़रूर पास हो जाओगे, बट अगर सिस्टमैटिकली ढंग से पढ़ो तो। आप लोगों को पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, सी ए नॉलेज पोर्टल जो हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर मैराथन वीडियोस पढ़ी हैं, सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ी है, बट अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो उसके 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स के अंदर मैंने मोर देन 70 मार्क्स की वेटेज कवर की हुई है। तो आप इन मैराथन वीडियोज़ को देखो, ठीक है ना, और आपको क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। उसके अंदर हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने उन मैराथन वीडियोज़ के अंदर करवाए हैं, इन वीडियोज़ को देखो। इसके अलावा आप लोग MCQ क्वेश्चंस जो होते हैं इनको भी प्रैक्टिस करो। अच्छा, जो मैराथन वीडियो में क्वेश्चंस है दैट आर नॉट सफिशिएंट, वो कर लिए ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए समझ कर लिया, अच्छे से समझ आ गया, बट सिर्फ उतने क्वेश्चन करके एग्जाम में जाओगे तो भाई पास होना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को क्या करना है, आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब और क्वेश्चंस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अगर आपके पास कम टाइम है तो मेरी बुक जो है उसको उठाओ, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मेरी बुक नहीं है बाय चांस तो सी ए इंस्टीट्यूट की जो बुक है, ICAI की जो बुक है, उनके क्वेश्चंस आप लोग कर लो, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा सर हमारी प्रिपरेशन कैसी है। कई बार हम लोग प्रिपरेशन कर तो लेते हैं, ठीक है ना, बट हमें पता नहीं चलता कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, कि हम CA फाउंडेशन का पेपर नंबर 3 फेस करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए पॉइंट नंबर 3 बहुत काम का पॉइंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो MCQ क्वेश्चंस और आपको लगता है कि आपका एक क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है, तो आपकी जो
प्रिपरेशन है वो अच्छी है। क्यों अच्छी है समझने की कोशिश करिए। पेपर नंबर टू जो है, पेपर नंबर थ्री जो है, बेसिकली ये 100 नंबर का पेपर है, ठीक है ना। चारों ही पेपर 100-100 नंबर के हैं, बट पेपर नंबर थ्री एंड फोर की जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है। पेपर नंबर वन एंड टू तो आपके 3-3 घंटे के होते हैं, बट पेपर नंबर थ्री एंड फोर 2-2 घंटे के होते हैं। यानी कि आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन 120 मिनट्स। अब भाई 20 मिनट तो मैं हटा देता हूँ इसमें से, क्यों? क्योंकि आपको कुछ रिवाइज करना होगा, कुछ क्वेश्चंस वापस से देखने होंगे, कुछ आपको शीट्स वगैरह भरने में टाइम लगेगा, वो सर्कल करने में जो आप पेंसिल से सर्कल्स को शेड करते हो, ठीक है ना, उनमें भी टाइम लगेगा। तो 20 मिनट उसके हटा लो, तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास 100 क्वेश्चंस करने के लिए 100 मिनट हैं। मोटा मोटा देखा जाए आपके पास 100 क्वेश्चंस करने के लिए 100 मिनट है, यानी कि सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पे ये लगा कि भाई 1 क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है। तो अगर आप कोई भी चैप्टर उठाते हो और आपका 1 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है, यानी कि वो चैप्टर आपका अच्छे से हो चुका है, आपका आंसर आ रहा है और 1 मिनट में आंसर आ रहा है, तो चैप्टर अच्छे से हो चुका है। अगर आपका आंसर आता है बट उसको आने में 5 या 6 मिनट लग गए, 3 या 4 मिनट लग गए, तो चैप्टर में अभी आपको और वर्कआउट करने की जरूरत है। वो चैप्टर आपको अभी आपका अच्छे से नहीं हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है कि भाई आपके आंसर्स आ रहे हैं, बट अभी उसमें आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे कि आप 1 क्वेश्चन 1 मिनट में कर पाओ। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 100% बोल रहा हूँ कि आपका पेपर ज़रूर छूटेगा एग्जाम के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप 1 क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट लगाओ और आपका पूरा पेपर हो जाए, ठीक है ना, वो मैथमेटिक्स ही अलाउ नहीं करेगा। भाई आपके पास 120 मिनट हैं, अगर आप 1 क्वेश्चन में 3 मिनट लगा रहे हो तो आपको 300 मिनट चाहिए 100 क्वेश्चन करने के लिए, बट हैं कितने, 120 मिनट, ठीक है ना। तो भाई 120 का डबल 240 होता है, 240 मिनट्स में भी आपका पेपर नहीं होगा, यानी 4 घंटे में भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा वैसे तो, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करके चलना है। अब इसके अंदर अच्छी बात क्या होती है कि भाई जो 1 क्वेश्चन 1 मार्क आपको जो एक स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको दिया कि भाई इस तरीके से इसको करो, इसके अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं ना उनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादा का मतलब ये कि 1 मिनट के अंदर तो हो जाएंगे, मतलब जैसे कि 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, 1 मिनट, अराउंड 1 मिनट 10 सेकेंड इस तरीके से लगेगा। बट जो स्टैटिस्टिक्स के थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो 1 क्वेश्चन हार्डली 10 या 15 सेकेंड में हो जाता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर टिक कर दिया। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, मैंने क्लास में करवाए हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो 10-15 सेकंड का 1 क्वेश्चन होता है, तो वहाँ पे आपका टाइम थोड़ा बच जाता है। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर बाय चांस आपका 1 मिनट में नहीं भी हो पा रहा तो वहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे भी सकते हो, ठीक है ना। तो आप कहाँ से टाइम चुराओगे, आप थ्योरी क्वेश्चन से टाइम चुराओगे उनको जल्दी करके, एंड वो टाइम आप दे सकते हो टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बट फिर भी आप एक स्टैंडर्ड बना करके चलो कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। थ्योरी तो सब बच्चों को हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी कोशिश करो कि हो जाए। चलिए अगला, कुछ बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मार के आते हैं कि भाई पेपर कुछ समझ तो आ नहीं रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आया, 4 ऑप्शंस हैं, चलो भाई तुक्का मार देते हैं, लग रहा है ये सही होगा, इस पे तुक्का मार दो। बट आपको याद रखना है कि सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 3 और 4 के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप तुक्का मारते हो, खुद सोचो, प्रोबेबिलिटी चलो पढ़ा ना हो बट पता तो है क्या होता है। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1 ऑप्शन सही होता है हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे। पेपर नंबर 3 और 4 के अंदर सीए फाउंडेशन के अंदर हमेशा 1 ही ऑप्शन सही होता है। अब तुक्का मार रहे हो, अब तुक्का मारने का क्या मतलब है कि भाई 4 में से कोई 1 ऑप्शन सही करके आ रहे हो। अब वो सही होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 25%, और वो गलत होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 75%। यानी अगर 4 में से 1 सही है तो तुक्का मारने से जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/4, एंड गलत होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4। तो अगर इसे परसेंटेज में देखें तो 25% चांस है कि आपने सही तुक्का मारा है और 75% चांस है कि आपने गलत तुक्का मारा है। यानी तुक्का मारना यानी कि नेगेटिव मार्क 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्क ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना, उसको अट्रैक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी 75% चांस है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो भाई हमें ऐसा गेम नहीं खेलना, ठीक है ना, हमें सेफर साइड पर खेलना है, हमें इतने रिस्क नहीं लेने, ठीक है। तो गेसिंग नहीं करनी, अगर पता है आंसर तो टिक कर दो, नहीं पता तो छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ना बेटर ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसी के साथ साथ, जब पेपर आपके सामने आता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। आपके 100 क्वेश्चन हैं, आपको 100 के 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना, टारगेट तो ही चलेगा कि भाई 100 के 100 करके आने हैं। अब होते हैं नहीं होते दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, बट हमारी कोशिश ये होती है कि 100 के 100 क्वेश्चन हो जाए। अब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आप लोगों को ये देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है एंड आपको 100% आता है, ठीक है ना। यानी आपको 3 कैटेगरीज में क्वेश्चन डिवाइड करना है सारे। आप क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से देखो कि भाई क्वेश्चन पढ़ने में छोटा है या लंबा है,
ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन चार पाँच छः लाइन का है, उसे पढ़ने में भी टाइम लगेगा भाई, ठीक है ना। और एक होता है क्वेश्चन एक लाइन का दो लाइन का है, अगर क्वेश्चन छोटा है और उसका सोल्यूशन आपको पढ़ के पता चल गया कि मुझे आता है, मैं कर लूँगा इस क्वेश्चन को, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप देख लो और उनको सबसे पहले अटैम्प्ट कर लो। तो बेसिकली क्या हुआ, आपका कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। देखो एक तो क्वेश्चन रीडिंग टाइम कम लगा आप लोगों का, और वो क्वेश्चन में आप 100% श्योर आपको आता है, तो पेपर के वो सारे क्वेश्चन जो छोटे हैं ना आपको आते हैं वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे, जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं क्वेश्चंस क्योंकि छोटे होते हैं। फिर करो आप उन क्वेश्चंस को जो थोड़े मॉडरेट टू लेंथी हैं, पढ़ने में थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, एंड आप श्योर हो कि हाँ ये मुझसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, ठीक है ना, श्योरिटी है, इन क्वेश्चंस को आप सेकेंड प्रायोरिटी पे कर लो, ठीक है ना। अब एक ऐसा वक्त आ चुका है कि भाई आपका पेपर जितना आपको आता है आप पूरा कर चुके हो, पेपर जितना आपको आता है पूरा कर चुके हो, जिसमें आप 100% श्योर थे पेपर वो हो चुका है। अब आप उन क्वेश्चंस को उठाओ जो बहुत लेंदी हैं, ठीक है ना, एंड आप अगर लेंदी है और आपको आते हैं उनको भी कर लो, उनको भी सेकंड, जो सेकंड पॉइंट था ना मेरा, उसी केस में कर लो। यानी कि मैं दोबारा बोल देता हूँ, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कर लो जो छोटे हैं आपको 100% पता है आप कर लोगे, दूसरे नंबर पर उन क्वेश्चंस को करो जो मॉडरेट टू लेंदी कैटेगरी के हैं और आपको पता है आप कर लोगे, ठीक है ना। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आप कर लोगे वो हो चुके हैं। अब वो क्वेश्चंस बचे हैं जिसमें आपको पढ़ कर ये लग रहा है कि भाई ट्राई करना पड़ेगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, यानी आप 50-50% श्योर हो कि एक बार करके देखते हैं, हो सकता है आंसर आ जाए, हो सकता है ना आए, तो इन क्वेश्चंस को आप थर्ड कैटेगरी पे रखो, थर्ड प्रायोरिटी दो इन क्वेश्चंस को कि भाई टाइम लगेगा इनको करने में, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हम छोड़ देंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को आप जो आपको लग रहा है पढ़ के कि हो सकता है हो जाएगा, इनको थर्ड केस में थर्ड प्रायोरिटी पर सॉल्व करना है। और फिर आती है फोर्थ कैटेगरी, जो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल गया कि भाई इसमें तुक्का मारने के अलावा कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, यानी ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मेरे इधर से निकल चुका है क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आया मुझे, अब तुक्का मारना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को आप टोटली छोड़ करके आ जाओ। तो जब आप पेपर देकर के बाहर निकलोगे तो आपको एक रिग्रेट फील नहीं होगा कि भाई आता हुआ पेपर छूट गया, क्योंकि आता हुआ पेपर आपने सबसे पहले कर लिया था, आपने बाद में तो उन क्वेश्चंस को टाइम दे रहे थे, ठीक है ना, जो आपको 100% श्योरिटी नहीं थी कि भाई होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं तो आपको इतना रिग्रेट नहीं होगा, वरना बच्चे बहुत रिग्रेट करते हैं कि सर पेपर आता था बट कुछ क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग गया तो आता हुआ पेपर छूट गया, तो ये वाली सिचुएशन आप लोगों की नहीं बनेगी अगर आप इस तरीके से इस पेपर को सॉल्व करोगे। चलो और कुछ पॉइंट्स और हैं जो एक बार हम देख लेते हैं और फिर ये वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है CA फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, इसको आप ज्वाइन करो, और यहाँ पर पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4, यानी कि बिजनेस मैथ स्टैट्स एंड LR का पेपर पेपर नंबर 3 हो गया एंड पेपर नंबर 4 ECO एंड BCK का पेपर हो गया, इसके डेली दो दो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं और काफ़ी बच्चे इन क्वेश्चंस को करते भी हैं, मैंने देखा है पर्सनली। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी करोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना। डेली दो दो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी करो, अटेम्प्ट करो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड सही आंसर कौन सा वो भी आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस पेपर के अंदर, पेपर नंबर 3 के अंदर, तो आप इंस्टाग्राम पर DM यानी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो हम लोगों को, और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम है CA नॉलेज पोर्टल। तो इतना ही था आज के लिए, और अच्छे से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, एंड कोई भी डाउट्स हो टेलीग्राम पे पूछ लो, हमारे मैराथन वीडियोस को ज़रूर देखो अगर आप लोगों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, एंड उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है वो करो। बुक जो है या तो आप खरीद सकते हो बुक, ठीक है ना, मेरी जो बुक है वो खरीद सकते हो, या फिर आप CA इंस्टीट्यूट की बुक भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो इस वक्त कोई नई बुक खरीदने का फ़ायदा नहीं है, अब तक जितना आपने जहाँ से भी पढ़ा है उसी बुक को रेफ़र करके आप कर सकते हैं। नई बुक उठाने का इस वक्त कोई लॉजिक नहीं होता, दिमाग ज़्यादा कन्फ्यूज ही होता है, ठीक है ना। तो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।